युवा साथियों अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4500 पद वापस जुड़वाने और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग लेवल 2 से पहले करवाने की मांग को लेकर आज निदेशक मोदी जी से शिक्षा संकुल में हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। इस वार्ता में एक चीज अच्छी निकली है कि फर्स्ट ग्रेड के जिन विषयों का परिणाम लेवल 2 से पहले जारी हो जाएगा उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। 2 विषय के डेटा बीकानेर निदेशालय पहुंच चुके हैं जिसकी कार्रवाई भी इन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए इन्होंने निदेशक जी ने यह कहा है कि यदि आरपीएससी हमसे अतिरिक्त कर्मचारी मांगती है तो हम अतिरिक्त कर्मचारी आरपीएससी को उपलब्ध करवा सकते हैं। ये भी स्पष्ट कहा है कि लेवल 2 की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते और मैं भी कह रहा हूँ लेवल 2 की प्रक्रिया को मैं भी नहीं रोकूंगा जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग को, क्योंकि आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है, इसलिए 25 तारीख को मैं उनका साथ देने जाऊंगा। लेकिन 4500 पदों के लिए आज उनसे सामने बात रखी है और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले देने की बात रखी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम लेवल 2 से पहले जारी हो जाएंगे, कई विषयों के जारी भी हो चुके हैं। हालांकि एक रास्ता जरूर निकला है कि लेवल 2 के परिणाम से पहले यदि सेकंड ग्रेड के परिणाम जारी होते, क्योंकि 31 तारीख तक उनके काउंसलिंग है, उसके बाद यदि परिणाम जारी होकर भेज देते हैं तो सीओडी के, तो ऐसे में सीओडी की वो पहले ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार है। जो 15 दिन का काम है वो 7 दिन में करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो ऐसे में आप शिक्षा संकुल अधिकारियों से मिले हैं, कल भी आप लोगों का धरना प्रदर्शन, आप भी प्रयास करिए, आपका प्रयास लगातार जारी होना चाहिए। मैं भी मेरी स्तर पर जितना प्रयास होगा मैं लगातार प्रयास करूंगा। आपके प्रतिनिधिमंडल को अभी सीएमओ में भी वार्ता के लिए 3 या 4 बजे हम जाएंगे, वहां भी बात रखेंगे। अभी निदेशक मोदी जी के सामने बात रखे, एक अर्थ की वार्ता में ये निकल के आई कि फर्स्ट ग्रेड को हम पहले ज्वाइनिंग देने का पूरा प्रयास करेंगे जिनका परिणाम आ चुका उन विषय का, और सेकंड ग्रेड के लिए भी उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम चाहिएगी तो हम आरपीएससी को देने के लिए बीकानेर निदेशालय तैयार है। अब ऐसे में हम सबको मिलकर आरपीएससी पर दबाव बनाना होगा कि आप अतिरिक्त टीम ले लीजिए, बीकानेर निदेशालय देने के लिए तैयार है, तो तत्काल सीडी के परिणाम भी जारी करिए। तो अब हम आरपीएससी पर दबाव बनाएंगे, जिसके लिए हम आज सीएमओ में जाकर मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को ज्ञापन देकर कहेंगे कि आप फोन करिए और तत्काल परिणाम जारी करवाइए, उनको अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए तो बीकानेर शिक्षा निदेशालय देने के लिए तैयार है। तो साथियों, कल आप लोगों का कई लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं हमेशा साथ रहा हूं, लेकिन मेरी स्थिति स्पष्ट है, मैं 48,000 लोगों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दिलाना चाहता हूं। मैं भर्ती प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो कर्मवाइज की बात कर रहे हो, यदि इनके परिणाम से पहले इनकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूं, सीएमओ में जाऊंगा, आरपीएससी जाना पड़े तो आपके साथ आरपीएससी जाऊंगा, जितनी मदद मुझसे होगी मैं मदद करूंगा। हालांकि एक अच्छी चीज है, फर्स्ट ग्रेड की पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड पर अभ्यर्थियों का चयन होगा जिनका लेवल 2 में भी होगा। तो ऐसे में सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए सीएमओ से लेकर हर जगह प्रयास करेंगे, आरपीएससी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। जब निदेशालय अतिरिक्त कर्मचारी देने के लिए तैयार है तो आरपीएससी अतिरिक्त कर्मचारी लेकर जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाए, क्योंकि इसमें सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही लेवल 2 के परिणाम जारी होंगे, तो ऐसे में वो भी चाहे तो 31 अगस्त के बाद वो तत्काल परिणाम जारी करके और बीकानेर निदेशालय भेज सकते हैं। और निदेशक मोदी जी का कहना यही है कि जो 15 दिन का काम है हम 5 दिन में कर सकते हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। तो साथियों, आज जो वार्ता हुई शिक्षा संकुल में, बीएड जो अभ्यर्थी हैं जो 4500 पद जुड़ाना चाहते हैं, जो दूसरी मांग कर्मवाइज वाले वो अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, इनके साथ ले जाकर कम से कम आधे घंटे तक इनकी बात रखी है। स्पेशल जो विशेष जो सेकंड ग्रेड की मांग कर वो अभ्यर्थी आए थे उनकी भी बात हमने रखी है। तो साथियों, जितनी मदद मुझसे होगी मैं मदद करूंगा। धन्यवाद।